एक्सपेंस बना देना है। और आगे क्या कहते हैं भाई क्वेश्चन 7, व्हाट इज इंश्योर्ड बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या होता है? कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ये होता है अकाउंट्स एक ही तरीके से बनाने हैं और अकाउंट्स में बार बार आपको टैलेंट नहीं दिखाना। टैलेंट नहीं दिखाने से क्या मुराद है यार? इससे मुराद ये है कि कभी आप स्ट्रेट लाइन यूज़ कर रहे हैं डिप्रिसिएशन मेथड, कभी आप रिड्यूसिंग कर रहे हैं। क्यों? आपने बोला यार प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो गया है, एक काम करते हैं रिड्यूसिंग यूज़ करते हैं, क्योंकि रिड्यूसिंग से डिप्रिसिएशन ज़्यादा हो जाएगी तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। फिर प्रॉफिट गिरा, आपने बोला यार अब दिल चाह रहा है अब रिवैल्यूएशन मेथड पे आ जाते, तो वो अपनी मर्जी से अकाउंट्स को अप डाउन करना या प्रॉफिट को मैनिपुलेट करने के लिए अकाउंट्स को अलग अलग तरीके से बनाना। कभी प्रोविजन 5% चार्ज कर रहे हैं और डेटर्स की कोई चेंज नहीं आया डेटर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में, सही है, तो आपने क्या किया अपनी मर्जी से प्रोविजन का रेट 5 से 15% कर दिया। तो ये चीज़ जो है वो कंसिस्टेंसी के खिलाफ है। तो भाई क्या चीज़ इंश्योर होगी अगर आप कंसिस्टेंट अकाउंट बनाते हैं? उससे फ़ायदा क्या होता है? कहता है बिजनेस एसेट्स आर सेपरेट फ्रॉम ओनर्स एसेट। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये है आपका बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है बिजनेस अलग है और ओनर अलग है, इसीलिए ओनर के घर के खर्चे बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं होते देन एक्सपेंस, बल्कि वो ड्राइंग में रिकॉर्ड होते हैं। इनकम स्टेटमेंट एक्सक्लूड आइटम रिलेटिंग टू अ डिफरेंट फाइनेंशियल पीरियड। ये अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर कॉन्सेप्ट कहलाता है, अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर। ये क्या कहता है? ये कहता है अकाउंट्स हर साल एक ही जो है वो टाइम पीरियड पे बनाना है। ऐसा नहीं कभी एक साल के अकाउंट्स बना रहे हैं, कभी दिल चाह रहा है क्वार्टरली अकाउंट बना रहे हैं, कभी एक महीने में ही कह रहे हैं भाई अकाउंट्स बनाओ पता तो चले प्रॉफिट कितना हुआ है। तो ये अकाउंटिंग ईयर इंपॉर्टेंट है। इनकम स्टेटमेंट एक्सक्लूड आइटम विच हैव नो मॉनेटरी वैल्यू। ये कौन सा कॉन्सेप्ट होगा भाई? ये है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट क्या कहता है भाई? अकाउंट्स में सिर्फ वो चीज़ें आनी चाहिए जिसकी मॉनेटरी वैल्यू है, जिसको रुपए पैसे डॉलर में मेजर कर सकते हैं, सिर्फ वो चीज़ें अकाउंट में आनी। रिजल्ट्स कैन बी कंपेयर्ड फ्रॉम ईयर टू द ईयर। ये फ़ायदा है भाई किसका? कंसिस्टेंसी का। अगर आप एक ही तरह से अकाउंट्स बनाते हैं अकाउंट्स को कंपेयर करना आपके लिए आसान हो।